चाहे देश में थी विदेश में थी, सभी बहुत ही उतावली थी कि कब फैसला आए। फैसला आ गया, जो कम समझ लोग थे उन्होंने मुझे टेलीफोन पर बधाई देना शुरू कर दिया कि सरकार ने मान लिया है, पर उन लोगों को मालूम नहीं था कि मान क्या लिया। हमारे साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा मजाक किया कि आप 200 मीटर जगह ले लें, उसमें गुरु जी का एक लकड़ का मंदिर तैयार कर लें और वहां पर गुरु जी को बिठा लें। जबकि आज के समय में किचन ही ना जाने कितने बढ़िया मार्बल की बना देते हैं, तो वो हमारे गुरु जी के स्थान के लिए ऐसे बोल रहे। श्री गुरु रविदास महाराज के चरणों में हमारे मिशन तुलगलाबाद के संत जन, संत महाराज सुखदेव महाराज जी, संत वीर सिंह हितकारी जी, संत हरचरण दास जी, संत केसी रवि जी, अथवा जितनी भी संगत आई हुई है, सभी को दास की ओर से जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। जब 18 को फैसला आना था तो जितनी भी गुरु रविदास महाराज जी की संगत है, चाहे देश में थी विदेश में थी, सभी बहुत ही उतावली थी कि कब फैसला आए। फैसला आ गया, जो कम समझ लोग थे उन्होंने मुझे टेलीफोन पर बधाई देना शुरू कर दिया कि सरकार ने मान लिया है, पर उन लोगों को मालूम नहीं था कि मान क्या लिया। हमारे साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा मजाक किया कि आप 200 मीटर जगह ले लें, उसमें गुरु जी का एक लकड़ का मंदिर तैयार कर लें और वहां पर गुरु जी को बिठा लें। जबकि आज के समय में किचन ही ना जाने कितने बढ़िया मार्बल की बना देते हैं, तो वो हमारे गुरु जी के स्थान के लिए ऐसे बोल रहे। जो साढ़े बुलारे बो रहे थे उन्होंने जो बताया वो 21 तारीख वाला ही सहित ड्रामा था कि लोगों में आ जाए कि जगह मिल गया, जगह मिल गया, बाद में देखेंगे क्या करना। गुरु प्यारी सत्संग जी, सरकार ने जो मैंने देखा है एक तीर से दो शिकार किए हैं, जे अफवाह उड़ा करके कि हम जगह देने के लिए तैयार हैं, और जे जे संत स्वीकार कर रहे हैं। जब अभी अभी मैं कोर्ट में था तो संतों के साथ बात हुआ, ज्यादा तो नहीं, कुलवंत राम जी वहां थे, तो उन्होंने कहा जब वकील दूसरे से बात हुआ कि मैंने कहीं भी ना तो वकील करवाया है, ना मैंने कहीं सरनेचर किए है, सरकार ने उनको जो सभी हम लोग थे तो बुला करके सहमति जतलाई थी कि आप जगह लेना चाहते हैं, हाँ लेना चाहते। उन्होंने हमारे मनों में फर्क डाल दिया।
और मेरा निवेदन रहेगा कुछ लोग जैसे मैं ही कानूनों के दापेचों को नहीं जानता, तो जब मैं नहीं जानता तो मुझे समझाने की जरूरत है, मीडिया में मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी हर चाल में कामयाब हो रही, हम फेल हो रहे हैं हर जगह पर। तो मेरा निवेदन रहेगा कि हमने कैसे कामयाब होना है। सभी लोग कहते हैं सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुमखीरा, मधुमक्खियां जैसा प्यार होना चाहिए आपसी संगठन के साथ ही जे हम पूरा कर पाएंगे। जैसे कि अगस्त को हमने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था दिल्ली में, अगर बात नहीं बनती तो हमें वो प्रदर्शन दोबारा करना पड़ेगा। सरकार तब भी पास हो गई, कैसे पास हो गई, हमने जंतर मंतर में सोचा, सरकार ने बुला लिया, इतने लोग आएंगे कैसे होंगे 71, वहाँ नहीं जुड़ पाएंगे। वाकया लोग बहुत थे, लेकिन बहुत लोग थे तो बहुत लोग जंतर मंतर में आ जाते, इनकी सारी गाड़ियाँ खटप हो जाती, इनको मालूम पड़ जाता। इन्होंने तब भी अपना खेल रचा लिया, हमें रामलीला ग्राउंड के मैदान में एक जगह बिठा दिया और वहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है, गाड़ियाँ तो वैसे ही चलती रही। हर बात में जे कामयाब हो रहे, चाहे कुछ भी था, जे कामयाब हो गए अपने मिशन में। सरकार वाजो थी, उन्होंने कहा जेकर जंतर मंतर में लोग आएंगे तो 2 लाख, कहते जे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के ही थे सभी फैसले हो रहे हैं, मंदिर गिराने का हमारे पर फैसला, अगर लोग एकत्र होते हैं तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें सुना दिया जाता है कि आप जंतर मंतर में नहीं जा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कोई भी बात है तो हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया जाता है, और लोग को जो है उनको कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं सुनाया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे में कमी रही है, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। जी है, जैसे उन्होंने कहा हमने वो ही मान लिया, हमने ये मान लिया कि संत कलवंत राम जी ने सैन कर दिए, वो उसी दिन से परेशान कि मैंने तो कहीं किए ही नहीं, उनको ये भी मालूम नहीं है कि किस वकील ने किए, आज वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमने जल्दी से उनको अपने मीडिया में डाल दिया, हमने अपने में फुट डाल लिया। सरकार ने 2 निशाने कर लिए हमारे, हर जगह वो सरकार कामयाब हो रही है। मेरा निवेदन रहेगा कि कोई भी बात है, जितनी देर तक हम 71 होकर के नहीं चलते तो काम बनने वाला नहीं है। लोग कहते एक नहीं होगा तो क्या 20 समझ भी हो, जब रावण मारा गया तो राम से बोला कि देखिए मैं आपसे विद्वान ज्यादा था, मैं आपसे बलवान भी ज्यादा था, मेरे में ताकत ज्यादा थी, लेकिन हुआ क्या, आपकी जीत कैसे हुई, आप किसी भी कारण मेरे से जीत नहीं पाते, इसलिए आप मेरे से जीत पाए क्योंकि मेरा भाई आपके साथ जुड़ गया। तो मेरा निवेदन रहेगा, हमारा भाई जैसा मर्जी हो, हमने उनको सरकार के साथ जुड़ने नहीं देना। हम सोचते हैं जे जुड़ जाएगा तो क्या है, ये तो है ही मूर्ख, नहीं, मूर्ख को हमने समझाना है, अगर हम समझा नहीं पाएंगे
तो हमारा भी रावण जैसा हाल होगा। ये ही बात हमारे साथ होती रही तो हम अपने मिशन में फेल होते जाएंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, हमने गुरु जी की वाणी को अमली जामा पहनाना है। सरकार जो कहती है वो अपने फेवर के लिए कहती है, हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ चांसा दे करके अपनी बातों बातों में हमें चमेल देती है और हम उनकी बातें मान जाते हैं। लेकिन वो वहाँ पर वहाँ ही खड़ी है। जो कोर्ट पहले कहती थी, जेतु कोर्ट ने माना था कि वहाँ सरोवर भी था, वहाँ समाधियाँ भी थी, वहाँ मंदिर था, हमारा पक्का मंदिर घिरा करके आप क्या कह रहे हैं, आपको लक्कड़ का मंदिर बना देंगे, कैसा है? इससे ज़्यादा मजाक हमारे से सरकार क्या करेगी। मेरा निवेदन रहेगा कि हमने दोबारा इकट्ठा होना है। और ये मैं जहाँ बात कह दूँ कि उस दिन जब 21 तारीख को आंदोलन हुआ था तो सबसे ज़्यादा पंजाब के लोग थे, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि अगर हम पंजाब वाले संतों से टूटे रहेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। जो भी गुरु रविदास मिशन है उसको उजागर ही पंजाबियों ने किया। अगर बनारस में ज्योति में गुरु रविदास स्थान को बनाया तो किन लोगों ने बनाया? पंजाबियों ने बनाया। उनकी खोज करवाई तो किसने करवाई? पंजाबियों ने करवाई। तो मुझे बहुत दुख होता है कि जब हम उन लोगों को साथ नहीं लेकर चलते। ये कहने की बात नहीं है, मुझे मालूम है, ये नहीं मैं बेसमझ हूँ, मैं जानता हूँ सभी बातें, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। अगर ये कमी को दूर नहीं किया जाएगा तो ये बात बनने वाला नहीं है, क्योंकि वो सरकार अपने आप में कामयाब हो रही है। वो गलत हमें सूचना दे करके और गलत प्रचार करके हमारे आपस में मतभेद डाल रही है। मैं बाली जी को कहूँगा, आज ही मैं एक ज़रूरी बात करना है और दो चार और जो समझदार लोग हैं वो बैठेंगे ताकि हमारे मतभेद ना बढ़े, इनको ख़त्म करना है हमने। तो ये मुझे लग रहा है कि किसी का कोई कसूर नहीं है, ये सरकार ही है जो हमारे बीच मतभेद बढ़ा रही है। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरी बात कह दी जाए तो ये नहीं होता। और कुछ हमारे लोग हमारे ही संतों की बदनामी करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, एक किसी की डाल देता है, दूसरा दूसरे की डाल देता है। जी बंद करो, जोड़ना है हमने समाज को, तोड़ना नहीं है। जब कभी फेसबुक देखो, कहीं किसी के संत का नाम, कहीं किसी संत का नाम, जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया उनको ही बदनाम किया जाता है। किसी को कांग्रेस के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी को बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी संत को आरएसएस के साथ जोड़ दिया जाता है। नहीं, हमने किसी के साथ नहीं जोड़ना, उनको अपने साथ जोड़ना होगा। जे मेरा निवेदन रहेगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय श्री सदगुरु रविदास महाराज की जय। हर सोई राचण के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत्य बाके रविदास। सबसे पहले श्री सतगुरु हमारे भगवान रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं और सभी मंच पे विराजमान साधु संत विराजमान हैं उनके चरणों में नमन करते हैं। सभी संगत और माता बहनों को सभी को धन्यवाद जो
आज सभी दूर दूर से आके आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सभी को धन्यवाद। सतगुरु जी, आज जो हमारा फैसला आया है वो दिया है सरकार ने, लेकिन वो अभी मन नहीं भरा है। सभी संत महापुरुषों को ने संगत का इसको जो मांग है पहले से वो पूरी मांग चाहिए। हमारी ज़मीन पूरी चाहिए। हमारे बच्चे जो जेल गए थे 96, उनको जमानत द्वारा कुछ बच्चों को छोड़ दिया गया, कुछ रह भी गए अभी, तो सभी का उनका भी केस डिस्चार्ज किया जाए। और आगे सब संगत की जो मनोकामना और मांग है वो पूरी की जाए। आगे इस मिशन को श्री सुखदेव वाघमारे जी और सभी संत महापुरुष उनके सभी सहयोगी, हम भी उन्हीं के सहयोग में लगे हैं। आगे वही बात करते हैं, हम तो थोड़ा सा मिला है मंच का बोलने का, तो थोड़ा सा मैंने बोल दिया सतगुरु जी, इसमें वो कोई आगे पीछे गलत बोला हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो बोले सो निर्भय, श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। जो बोले सो निर्भय, श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।